नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राकेश जाट। किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम मात्र एक ही वीडियो के अंदर चने की संपूर्ण सेटिंग का वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तो किसान भाई, वीडियो में तक जरूर बने रहिए। और आज किसान भाई के खेत में लाइव डेमो मशीन का कि किस प्रकार हम सेटिंग करेंगे और चने फोड़ने की फेंकने की जो समस्या आती है किसान भाइयों को, उस सभी समस्याओं का समाधान मात्र एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में तक जरूर बने रहिए। किसान भाइयों, शुरुआत करते सबसे पहले चने के अंदर मशीन चल रही है। किसान भाइयों, अगर आपकी जो घेटी है अगर वो चालने से नीचे उतर रही है तो चने फेंकने की समस्या जरूर आने वाली है मशीन के अंदर। तो सबसे पहले आपको जाल का ध्यान करना है। मशीन के ड्रम के अंदर जो जाल लगी हुई है वो लगी हुई है तीन सूत की जाल लगाने के बाद अगर जो चने की जो घेटी होती है अगर वो नीचे उतर रही है तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, जो आप जाल देख पा रहे हो इस जाल को आपको आधा इंची और नीचे उतारना है, जिससे माल बारीक होगा और आपकी घेटी नीचे नहीं उतरेगी। दूसरी बात करें अपन तो वो होती है रोटर की स्पीड। हम आपको रोटर की स्पीड दिखाने वाले हैं। जो सेकंड नंबर पे जो बेल्ट लगी हुई है इसके ऊपर आपको मशीन को ऑपरेट करना है, क्योंकि जो कटिंग करती है वो नीचे वाले रोटर की स्पीड करती है। इससे क्या होगा कि रोटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और जो चना है वो बारीक हो जाएगा और इसमें घेटी नहीं आएगी। बात हो गई मेन ड्रम जाल की, अब हम आपको बताने वाले हैं रोटर की स्पीड। किसान भाइयों, आपको दिखाते हैं रोटर की स्पीड। इस समय जो रोटर की डोली की जो स्पीड है वो लेफ्ट साइड के अंदर जो बेल्ट लगी हुई है सिंगल बेल्ट, वो सबसे कम स्पीड पे आपको इसको रखना है। आगे आते हैं, तीसरी बात करते हैं मशीन की, वो होती है पंखे की स्पीड। जो चालने की अपन बात करते हैं, मेन बात होती है कि चालने पे माल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस समय इस मशीन के अंदर चालने पे माल इकट्ठा नहीं हो रहा है। और हाँ किसान भाइयों, सबसे मेन बात कि आपको तीन सूत की जाल के अंदर जाल को चोक जरूर करना है। एक जाल यहाँ से चोक होगी और एक जाल नीचे से चोक होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे नीचे वाले चोक कहाँ से करनी है आपको। जो दो नट आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक नट इस साइड में है एक उस साइड में है, दोनों नटों को आपको टाइट करने के बाद जाल को ऊपर पहुँचाना है, जाल को चोक करना है। और दूसरी जाल चोक होगी यहाँ से, इस बोल्ट को ढीला करके आपको जाल को चोक करना है। ये तो बात हो गई ड्रम की। अब हम बात करते हैं माल की क्वालिटी की। तो किसान भाई, आपको लाइव डेमो दिखाने वाले की क्वालिटी किस प्रकार ये निकाल रही है। तो दिखाते हैं आपको लाइव डेमो कि ये किस प्रकार चने निकाल रही है, चना फोड़ तो नहीं रही है। दिखाते हैं आपको, बहुत ही साफ सुथरा ये मशीन माल निकाल रही है, ना फोड़ रही है ना घेटी आ रही है। एलिवेटर की बात करें तो चेन आपको हल्की सी टाइट रखनी है ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं। किसान भाई, बात करते हैं पंखे की स्पीड की, आपको कहाँ पर रखनी है। तो दिखाने वाले हैं आपको जो आगे से जो सेकेंड नंबर की जो पुली लगी हुई है उसके ऊपर आपको ये सिंगल बेल्ट रखनी है। ट्रैक्टर के आरपीएम की बात करें तो हम आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। ट्रैक्टर की जो आरपीएम है वो आपको रखने 13 के ऊपर, आपको दिखाते हैं लाइव डेमो। मात्र 13 के आरपीएम पे ये मशीन चलने वाली है, जिससे जो हवा बनती है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से बनने वाली है। किसान भाइयों, अब हम आपको लाइव डेमो भूसे का दिखाने वाले हैं कि कहीं ये मशीन दाना तो नहीं उठा रही है। तो उसके लिए किसान भाइयों को चेक करनी होती है मशीन, क्योंकि किस प्रकार वो मशीन को चेक करें। तो किसान भाइयों, दिखाते हैं, मैंने ये भूसे से जो एक मुट्ठी ली है उसके अंदर कोई दाने तो नहीं जा रहे हैं। तो इस मशीन के अंदर अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भूसे की बात करें तो एक भी दाना इस भूसे के अंदर नहीं जा रहा है। भूसा भी आप देख सकते हो बहुत ही बारीक भूसा है, क्योंकि जाल हमने 330 में लगाई हुई है। किसान भाइयों, हमने आपको संपूर्ण सेटिंग बता दी कि किस प्रकार आपको सेटिंग करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो नीचे नंबर दिए हुए आप उनसे बात कर सकते हो, घर बैठे समस्या का समाधान कर सकते हो। किसान भाइयों, एक संक्षिप्त के अंदर भी हम आपको वापस जानकारी देने वाले हैं कि आपको जाल 3 सूत का रखना है, रोटर की जो स्पीड है आपको बीच के अंदर रखनी है,
डोली की स्पीड आपको कम पे रखना है और ट्रैक्टर के आरपीएम की बात करें वो आपको 13 के ऊपर रखने हैं। इसके अलावा जो हवा की जो सेटिंग है, जो आगे वाली पुल्ली है उसको आपको सेकंड नंबर पे रखनी है। इसके अलावा जो जाल है उसको आपको आधा इंची नीचे उतारना है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको संपूर्ण जानकारी और वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वो आप हमें कमेंट जरूर करिए, और अगर किसी फसल के अंदर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करिए, उस टॉपिक के ऊपर भी हम आगे आने वाले दिनों के अंदर वीडियो बनाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।